किसी गांव में एक धनीराम नाम का सेठ रहता था। उस सेठ के पास पुश्तैनी जमीन, घर, मकान और खेत थे। धनीराम की सारी कमाई उसके गौशाला से आती थी। धनीराम के पास बहुत सारी गाय थी जिनको दूध बेचकर उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। इस काम के लिए धनीराम ने बहुत सारे नौकर रख रखे थे। एक दिन उसकी गायों में से एक गाय बहुत बीमार हो जाती है और खाना पीना छोड़ देती है। यह बात जब धनीराम को पता चलती है तो वो कहता है, कोई बात नहीं किशन, तुम उस गाय का इलाज करवाओ और उसे जल्दी ठीक करो। हमारे उस गाय के दूध से बहुत सारी कमाई हो जाया करती है। वह गाय किसी भी कीमत पर ठीक हो जानी चाहिए। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही डॉक्टर को बुला लेता हूँ। और इस तरह किशन उस गाय का इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुला लाता है। चेकअप पर डॉक्टर बताता है कि जरूर इसके पेट में कुछ कमी आ गई होगी जिस कारण इसने खाना पीना बंद कर रखा है। तुम यह दवाई खिला देना, ये ठीक हो जाएगा। धनीराम के नौकर दिन रात उस गाय का ध्यान रखने लगते हैं, परंतु वह गाय ठीक नहीं होती और प्रतिदिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके शरीर पर दाग भी होने लगते हैं। किशन जब यह बात डरते हुए अपने सेठ को बताता है तो सेठ कहता है, लगता है वह उस गाय को कोई बड़ी बीमारी हो गई है। हमें जल्दी से जल्दी उस गाय को बेच देना चाहिए ताकि इस गाय की वजह से हमारी बाकी की गाय बीमार ना हो जाए। सुनो किशन, तुम कल सुबह ही इस गाय को कसाई के पास भेज देना, वह इसकी अच्छी कीमत दे देगा। परंतु सेठ जी, कसाई तो उसकी जान ले लेगा। इस गाय ने हमें इतने बरसों से दूध दिया है जिसकी बदौलत आज आपकी सुख चैन की जिंदगी है। हमें कुछ दिन और इसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं, अब मैं इस मनहूस गाय को अपनी गौशाला में एक दिन और नहीं रख सकता। अगर लोगों को यह बात पता चल गई कि यह गाय बीमार है तो लोग हमारा दूध खरीदना बंद कर देंगे। मेरी बात मानो और इसे किसी कसाई के पास भेज दो। मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो यह गाय मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसकी सेवा पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इससे लगाव हो गया है और मैं इसे कसाई के पास कटता हुआ नहीं छोड़ सकता। अच्छा ठीक है, मैं इस गाय के पैसे तेरी सैलरी में काट लूँगा, तू अपने साथ इसे घर ले जा सकता है। और इस तरह किशन वह गाय अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर आकर किशन सारी बात अपनी पत्नी गीता को बताता है। राखी के पापा, आप यह गाय ले आए हैं, परंतु आपको पता है ना, सेठ आपको केवल 5,000 रुपए महीने ही देता है। उसमें से भी अगर वह गाय के पैसे काट लिया करेगा तो हम क्या खाएंगे और राखी की पढ़ाई के लिए क्या बचाएंगे? वह सब मैंने नहीं सोचा, परंतु जैसे तैसे मैं अपने हिस्से की रोटी बचाकर इस गाय को खिला दिया करूंगा, लेकिन मैं इसको इस तरह बीमार हालत में मरता नहीं छोड़ सकता। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने हिस्से का खाना बचाकर उस गाय को दे दिया करते थे। किशन ने जो पैसे अपनी बेटी राखी की पढ़ाई के लिए जोड़ रखे थे, वह सारे पैसे धीरे धीरे उस गाय की देखभाल और डॉक्टर की फीस में चले गए। अब किशन के पास खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। एक दिन कमला राखी के पिताजी से कहती है, देखिए राखी के पापा, अब मुझसे इस तरह राखी का रोना नहीं देखा जाता। वो भूख के मारे तड़प रही है और हमने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। यह गाय भी दूध नहीं देती। मेरी बात मानो, सेठ जी सही कह रहे थे, अभी यह गाय किसी काम की नहीं रही। इसका इलाज कराते कराते हमारी सभी जमा पूंजी खत्म हो गई है। आप इसे कसाई के पास बेच आइए, उससे जो रुपए मिलेंगे कम से कम उससे मेरे बच्चे का पेट तो भरेगा। ये क्या कह रही हो तुम कमला, तुम एक समझदार औरत हो, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जानवर बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, परंतु इन्हें भी दर्द होता है। बेचारी कितने दिनों से बीमार पड़ी है, कुछ खा पी भी नहीं रही है, इसकी पीड़ा तुम नहीं समझ सकती। यह गाय हमारे साथ ही रहेगी जब तक यह ठीक नहीं हो जाती। ठीक है, तो मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं और मेरी बेटी राखी मायके जा रहे हैं। तुम अपनी इस गाय के साथ अकेले रहो। जब खाने को कुछ ना हो तो तुम भी मेरे घर आ जाना। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदैव खुले हैं। इतना कहकर कमला वहाँ से गुस्से से चली जाती है। सर्दियों के दिन थे जिस कारण किशन अब अपनी गाय को अपने कमरे में ही रखता था। एक दिन किशन अपनी गाय से बातें करने लगता है। हे गाय माता, मैं तुम्हारी इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, परंतु तुम ठीक क्यों नहीं हो रही हो? मुझसे अब तुम्हारा यह दुख और नहीं देखा जाता। हे भगवान, कुछ चमत्कार कर दे और इस गाय को पहले की तरह सुंदर और तंदुरुस्त कर दे। किशन के इतना कहते ही वह गाय जादू से अपना रूप बदल लेती है और पहले की तरह ठीक हो जाती है। किशन, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं पहले की तरह ठीक हो गई हूँ।
मैं परी लोग की सबसे सुंदर गाय हूँ जो पृथ्वी लोग पर रानी परी के साथ घूमने आई थी, परंतु एक चुड़ैल ने रानी परी पर हमला किया और हमले में रानी परी घायल हो गई। उसी दिन से चुड़ैल ने मुझे अपनी जादू शक्तियों से कुरूप बना दिया था, परंतु रानी परी ने अपने जादू से मुझे कुछ दिनों के लिए ठीक कर दिया था और कहा था कि जब कोई भला मानुस सच्चे दिल से तुम्हारी सेवा करेगा तो तुम सदैव के लिए ठीक हो जाओगी। आज मैं तुम्हारी बदौलत बिल्कुल स्वस्थ हूँ और वापस परी लोग जा सकती हूँ। मैंने देखा कि किस तरह तुमने अपनी पूरी जमा पूंजी मेरी सेवा पानी में लगा दी, यहाँ तक कि तुम्हारे बीवी बच्चे भी तुम्हें छोड़कर चले गए, परंतु तुमने मेरी निस्वार्थ सेवा की। तुमसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जादुई लहंगा देना चाहती हूँ। तुम इस जादुई लहंगे को किसी खाली स्थान पर रख देना। इसके बाद यह जादुई लहंगा एक जादुई लहंगे घर में बदल जाएगा। उस घर में तुम्हें सभी सुख सुविधाओं की चीजें मिलेंगी और तुम अपना आगे का जीवन हंसी खुशी से बिता पाओगे। किशन गाय का धन्यवाद देकर वह जादुई लहंगा ले लेता है। इसके बाद गाय भी वहाँ से गायब हो जाती है। गाय के कहे अनुसार किशन उस जादुई लहंगे को लेकर एक खाली स्थान पर पहुँच जाता है। किशन जैसे ही वह लहंगा खाली स्थान पर रखता है, वह जादू से एक आलीशान घर में बदल जाता है। उस घर में अंदर जाकर किशन देखता है कि वह घर तो काफी आलीशान और सोने चांदी की मुद्राओं से भरा हुआ है और अंदर जाकर किशन देखता है कि वहाँ पहनने के कई तरह के कपड़े, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना और राशन रखा हुआ है। यह सब देख वह बहुत खुश होता है और उसी दिन से वह उस जादुई घर में हंसी खुशी से रहने लगता है। उस दिन के बाद किशन जो को भी जरूरत पड़ती है उस जादुई लहंगा घर से मांग लिया करता था। वह गाय भी रामू के निस्वार्थ सेवा की वजह से परीलोक में बादलों में घूम रही होती है और बहुत खुश रहती है। एक दिन किशन के गांव में बहुत तेज आंधी और तूफान आता है और पूरा गांव उजड़ जाता है। तभी सभी लोग सुरक्षित जगह तलाशने के लिए खाली मैदान की तरफ आते हैं। उसी भीड़ में किशन की पत्नी कमला और बेटी राखी भी होते हैं। तभी कमला की नजर विशाल जादुई घर में पड़ती है। तभी वह मदद मांगने के लिए उस घर के पास जाती है और मदद के लिए उसके मालिक को बुलाती है। तभी वहाँ से किशन निकल कर आता है। अरे कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गांव में बहुत तेज आंधी तूफान आ गया है, गांव के सभी घर उजड़ गए हैं। सभी गांव वालों को एक सुरक्षित जगह की तलाश है। क्या तुम हम गांव वालों को अपने इस जादुई घर में रख सकते हो? तू नहीं कमला, मेरे इस घर में तुम सभी का स्वागत है। और इस तरह सभी गाँव वाले इस घर में रहने लगते हैं। तूफान थमते ही सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, परंतु कमला और राखी उदास खड़े होते हैं। राखी के पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने आपको उस गाय की वजह से उतना भला बुरा कहा और आज उस गाय ने हमारी मदद की। मुझे समझ आ गया है कि हमें जरूरतमंदों और मुसीबत में फंसे प्राणियों की मदद करनी चाहिए, तभी बदले में हमारे तरफ कोई मदद का हाथ बढ़ाता है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आपको कभी भला बुरा नहीं कहूँगी। कृपया आप हमें अपने साथ इसी घर में रहने का मौका दें। कोई बात नहीं कमला, मैंने तुम्हें माफ किया। आखिर तुम मेरी पत्नी हो और राखी मेरी बेटी है, भला मैं तुम दोनों को मुसीबत में कैसे देख सकता हूँ। और इस तरह उस दिन के बाद वे तीनों लोग उस जादुई घर में हंसी खुशी से रहने लगते हैं।